हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं 5S के बारे में। ये 5S क्या होता है? तो 5S भाई साहब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 100% लागू किया जाता है। ये 5S रूल्स होते हैं। ये इसका ओरिजिन जो है वो जापान से है। तो जापान वालों ने इनका नाम दिए हुए हैं, एस, पांच तरह के एस दिए हुए हैं। अगर आप एक ट्रेनी हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये जरूर सुन लीजिए। कहीं अगर इंटरव्यू पूछ लिया तो आप इंप्रेस कर सकते हैं सामने लोगों को सीधा सीधा, अगर आप 5S के बारे में जानते हो ऑलरेडी। तो यहां पे इसका मतलब क्या है? पहले एस का मतलब होता है सीरी। तो सीरी देखिए, मैं अगेन कहूं ये जैपनीज भाषा है, तो अगर प्रोनंसिएशन जो मुझे आती है वो ही बोल सकता हूं। तो सीरी का मतलब होता है सॉर्ट करना। सॉर्ट करने का मतलब होता है कि अलग अलग कर देना। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे गंदे से कपड़े पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं। अब आपने तीन बॉक्स अलग अलग बना लिए, एक व्हाइट कपड़ों का, एक कोई कलरफुल अलग अलग कपड़े, और यहां पे ब्लैक वालों का अलग कर दिया। तो आपने सॉर्ट कर दिया, तो तीन अलग तरह के सॉर्ट कर दे। इसी तरह आप इंडस्ट्री में बात करो तो इंडस्ट्री में भी सॉर्ट कर सकते हैं हम टूल्स को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ अलग अलग जगह पे आप रख सकते हैं, सॉर्ट करके रख सकते हैं कि मेरे पास मान लीजिए सेफ्टी के टूल्स एक साइड रखे जाएंगे, प्रोडक्शन वाले हमारे पास जो ड्रिलिंग वाले टूल्स है यहां रखे जाएंगे। तो इस तरह टूल्स जो है आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला रूल है ये, अच्छा रूल पढ़ना ही क्यों है, ये सबसे बड़ी बात आती है बेटा। आपको एक चीज समझ लो, 5S रूल जो है, आप अगर सोचोगे सर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, तो इंडस्ट्री वालों के लिए है, नहीं मेरे बच्चा, ये आम लाइफ में भी यूज होता है। आम लाइफ में भी यूज होता है। आपके घरों में देखो, हम अपने घर की बात कर लेते हैं, घरों में हमारे पास इतना ज्यादा, हम कभी 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 देखते हैं कि मिसमैनेजमेंट है, हमें जो सामान चाहिए वो नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिल जाएगा ना। चाबी नहीं पता हमें, मान लीजिए की है हमारी कार की है, हमारे घर की है, वो हमें नहीं पता हमें कहाँ रख दी, ठीक है। हमारी बुक्स है जो इंपॉर्टेंट, नोट है हमारे पास इंपॉर्टेंट, कोई चीज फाइल है वो कहाँ रख दी। तो हमें वहां पे भी 5S की जरूरत पड़ेगी। सॉर्ट करो सबसे पहले चीजों को, कि ये चीजें इस तरह से मैंने सॉर्ट कर देनी है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे आपकी फाइल्स हो, चाहे आपके सर्टिफिकेट्स हो, चाहे आपकी बुक्स हो, चाहे आपके शूज हो, हर चीज सॉर्ट करके रखो, अलग अलग करके रखो। और उसमें सॉर्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है सीटों। तो इसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। तो पहला ऐसा हमें पता लग गया कि हमने क्या करना है, सॉर्ट। दूसरा है सेट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर बनाइए, एक ऑर्डर बनाइए जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक ऑर्डर तैयार किया जाएगा। तो हमारे पास ये देखिए एक मैसअप है, ये मैसअप वाली फोटो है, ठीक है। इस मैसअप को हम क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर में रख सकते हैं, एक ऑर्डर में अगर रखा जाए टूल्स को। देखो बेटा, ये आप देखो, हमें जब किसी लेवल पे स्केल करना है, आपको एक ये चीज दिखाता हूं, मान लीजिए ये है। अब इसमें अगर मैं कहूं कि टूल ढूंढ के ला, तो तेरा टाइम वेस्ट होने वाला है बेटा, टाइम वेस्ट होगा, फालतू का टाइम जाएगा इसको ढूंढने में, टूल को ढूंढने में। आप इंडस्ट्री को स्केल अप करना चाहते हो, आप अपने काम को स्केल अप करना चाहते हो, आपकी चाहे छोटी सी शॉप है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी शॉप है लेकिन उसमें भी आपने एक ऑर्डर क्रिएट करना है कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी होगी। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है, और आपका मटेरियल भी बचेगा, और टाइम ही मनी है बेटा, ठीक है, टाइम ही मनी है। तो आपने सेट इन ऑर्डर करना है, इस तरह से हिस्सा जा देना। अब ये बाइक मैकेनिक के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, कार मैकेनिक, बाइक मैकेनिक जो होते हैं उनको टूल ऐसे फेंक रखे हैं, बाद में ढूंढते हैं। अब अगर इसमें से ये वाला टूल उठाता है बंदा, तो उसको ये पता होगा कि यहां पर कुछ मिसिंग है, वापिस रख भी देगा, तो आपका टूल भी नहीं मिस होगा और आपका टाइम भी बचेगा। बात समझ रहे हो? तो सेट इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में सेट करो। उसके बाद है सीसो, इसका मतलब है शाइन, शाइन करना, उसको चमकाना, चीजों को साफ सफाई करना। अब बात करें तो हमारे पास जैसे ना हॉस्टल के रूम होते हैं, बॉयज हॉस्टल का रूम देखोगे ना, पूरा मैसअप कर रखा होता है। ये हो गया एक बार, ऐसा हुआ हमारे साथ, कहते हैं ये अपने रूम की फोटो दिखाते हैं सभी, तो बॉयज हॉस्टल के कमरों की फोटो ली गई तो ये हाल निकला, ऐसा हाल निकला। लेकिन वहीं जब गर्ल्स हॉस्टल की फोटो ली गई तब पता लगा यहां पे 5S रूल पूरे लागू किए गए। तो यहां पे देखोगे तो सॉर्ट भी कर रखा उन्होंने, सेट इन ऑर्डर भी कर रखा, शाइन भी कर रखा, तो पूरा चमका के रखा हुआ रूम, ठीक है। तो आपका कैसा था हॉस्टल में रूम, एक बार जरूर बताना, ठीक है, पहली फोटो या दूसरी फोटो जैसा था, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वन है हमारे पास सिकेत्सु,
तो इसका मान मतलब है स्टैंडर्डाइज, किसी चीज के स्टैंडर्ड तैयार करने। स्टैंडर्ड तैयार करना, आप कोई भी टूल यूज करें उसका भी एक स्टैंडर्ड हो, जो भी आप यूज करेंगे, जो भी काम बनाएंगे उसका एक स्टैंडर्ड बना देंगे कि इसके बाद ये इस तरह का हमारा होगा, हमारे ऑर्डर इस तरह का होगा, जो ऑर्डर में आपने टूल्स रखने हैं, स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि इस स्टैंडर्ड का होगा, उस स्टैंडर्ड को सेट करना, ये काम होगा हमारा सेट करना, स्टैंडर्ड सेट करना। और उस एक बार बना लिया ना बेटा स्टैंडर्ड, और वो ही आगे चलता है। और लास्ट में हमारे पास जो 5S जो पांचवा है उसका नाम है हमारे पास शिट सुके, तो इसका मतलब है कि सस्टेन करना, ये सबसे मेन है बेटा। हम कई बार जोश में आ भी जाते हैं कि यार आज घर साफ कर देंगे, घर में अलमीरा इस तरह कर देंगे, हमारा बुक्स इस तरह होगी, ये इस तरह होगा, लेकिन दूसरे ही दिन वो खराब हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाते। सस्टेन करना सबसे मेन है। आपने सब कुछ तैयार कर लिया, सॉर्ट कर लिया, आपने ऑर्डर में सेट कर लिया, आपने शाइन कर दिया, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड तैयार कर दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये सारे एस जो हैं वो इंडस्ट्री में लागू होते हैं। इंडस्ट्री तभी तो आप जाओगे तो अच्छे लेवल की इंडस्ट्री में, अगर आप लोकल कंपनी की बात करें तो वहां पे 5S रूल नहीं होता, तभी तो हाल देखो उनका, आप खड़े होने की जगह नहीं होती और वहां पे एक्सीडेंट के चांसेस भी बड़े होते हैं, क्योंकि फ्लोर एरिया, मान लीजिए शॉप फ्लोर एरिया, और वहां पे कोई टूल गिरा हुआ है, कोई सामान गिरा हुआ है, वहां कोई चोट लग गई किसी को, नहीं, इंडस्ट्री में हमारे पास रूल्स होते हैं, तो आप देखोगे तो स्टैंडर्डाइज भी होता है, सस्टेन भी करते हैं। तो इसका फायदा कहां मिलता है? इसका फायदा आप देखोगे तो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में ये देखो स्टैंडर्ड सेट होते हैं, इवन जो वॉकिंग एरिया, ये देखिए तो वॉकिंग एरिया में कुछ रखा नहीं हुआ ताकि आराम से चल भी सके, कोई मटेरियल भी मूव कर सके, बंदा भी मूव कर सके, तो कोई प्रॉब्लम ना आए। आम लाइफ में मैं आपको बताता हूं, अगर आप कहीं बिजनेस करना चाहते हैं तो डिफरेंस है कुछ, 5S नहीं होता और होता है, डिफरेंस पड़ता है उसका। देखो आपको एक फोटो दिखाता हूं, यहां से अगर आप कहोगे कि मैं आपको कहता हूं कि मिठाई की दुकान है और यहां ये बंदा हमें लड्डू बोलता है कि 200 रुपए किलो है, आप कहोगे ना इतने महंगे, आप महंगे क्यों लगा रहे हो? चाहे इन भाई साहब के लड्डू जो है वो ज्यादा टेस्टी हो, ज्यादा मजेदार हो, लेकिन आप इनको 200 रुपए नहीं दोगे, नहीं दोगे, 100% गारंटी आप 200 रुपए इनको नहीं दोगे। लेकिन जब आप इस दुकान में एंटर करेंगे, इस शॉप में एंटर करेंगे, तो आप ये मांगेगा उसी लड्डू के 200 रुपए या उससे कम क्वालिटी के हो, चाहे टेस्टी कम हो, लेकिन ये मांगेगा तो आप दे दोगे, ये दोगे या नहीं, आप खुद बताओ। तो इन्होंने 5S रूल लगा रखे हैं, जो रूल सेट किए हुए हैं, सफाई है, स्टैंडर्ड बनाना है, ऑर्डर है, ठीक है, सब कुछ सजा रखा है, तो भाई आप दे दोगे इनको 200 रुपए दे दोगे, लेकिन इनको नहीं दोगे, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो हमारे पास रूल्स जो है जिंदगी में, अगर आप 5S अपनाते हो तो आपको बहुत ही 100% फायदा मिलने वाला है। तो यहां देखेंगे बिफोर 5S देखो हाल, और आफ्टर 5S ये देखिए, तो आपको ये हमेशा देखोगे, जब भी आप देखोगे तो स्टैंडर्ड आपको जहां पे मिलेगा, ये मोस्टली आपको मिलेगा जहां पे ब्रांड नेम आ जाएगा, जहां पे ब्रांड नेम आ जाएगा आपको 5S इंप्लीमेंट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो बिफोर और आफ्टर की फोटो आप देख सकते हैं, बिफोर ये हाल और आफ्टर इस तरह से, और बिफोर ये हाल और ये 5S। तो इस तरह से 5S लागू करना, और 5S का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो होता है ना, ये उठाते हैं शॉपिंग मॉल वाले, शॉपिंग मॉल वाले उठाते हैं। भाई साहब आप देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाते हो, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओ, वहां पे क्या होता है, आप बोलते हो कि हमें ये चीज दे दो, बस वो बेचारा दुकानदार उठता है, सामान देता है आपको, दे देगा, आप एक सामान लेनेंगे, एक लेके आगे बस। लेकिन अगर जाओगे आप मॉल में, तो मॉल में भाई साहब आपको देते ट्रॉली, अब भाई भरो, अपने आप भरो, और उन्होंने जो 5S सेट कर रखा है, आप देखोगे यहां पे एक ही तरह का प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट जहां पे है वही होगा, और एक ऑर्डर में कि आपके पास ये होगा, उसके बाद ये मिलेगा, और ये स्ट्रेटेजी होती है, ये 5S के बेनिफिट्स हैं। तो भाई साहब ये रूल जिंदगी में अपना लो, 5S रूल अपना लो, अपने घर में भी, अपने काम में भी, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, आपको 100% ये बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा 5S का। आपको ये बात मेरी समझ आई या नहीं आई, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ गया होगा। और अगर आप SSC JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।